इस पवित्र स्थान ते जिथे संत बाबा सुरिंदर सिंह जी उस सतगुरों की पवित्र याद के अज समागम नहीं रखिया। धन धन साहब सतगुरु श्री गुरु रामदास पातशाह जी जिन्होंने इस धरती के उत्ते एक साडा ऐसा तीर्थ वो गुरु पातशाह ने बख्शिश करके दिता। गुरु नानक देव पातशाह तो लैके गुरु अर्जन देव पातशाह ने पंजे पातशाहियां ने मनुखता नूं एक लड़ी दे विच परोया। गुरु नानक देव पातशाह जी ने उस वेले दब्बे ते लताड़े लोगों नूं बुकल विच लैके इत्थे भेदभाव मिटाया। एक ओ ओंकार दी आराधना करा के सारयां नूं अकाल पुरख नाल जोड़न दा संदेश दित्ता। गुरु अंगद देव पातशाह जी ने सानू जिथे होर नवेकले सिद्धांत बख्शिश किए उत्थे सानू गुरमुख लिपि की भी बख्शिश सतगुरों ने की। गुरु अमरदास पातशाह जी ने सानू पवित्र पंगत की सांझ दित्ती कि पंगत दे विच ना कोई उच्चा ना कोई छोटा सारयां नूं एक लड़ी च फिरया। गुरु रामदास पातशाह जी ने पवित्र सचखंड श्री हरिमंदर साहब की रचना करके सारे भेदभाव मिटा दिते। उत्थे किसे नूं अंदर बन लगे पुछया नहीं जाता तू किहड़ी जात ते फिरके नाल संबंधित आ। वो अंदर इशनान जाके करदा उहनूं कोई पुछया नहीं जाता तू किस फैक्ट सैक्ट दे नाल तेरा संबंध आ। वो जाके सतगुरां नूं नमस्कार करके कीर्तन सरवण करदा उत्थे कोई भेदभाव नहीं। उत्थे देग सांझी वरताई जांदी आ उत्थे लंगर दी सांझ सतगुरां ने सारा ही भेदभाव मिटा दिता। जिथे गुरु साहब जी ने बख्शिश किया सानू सारयां नूं उत्थे आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना करके उन्हां महापुरशां नूं जिहड़े भावें गुरु नानक देव पातशाह जी दे काल तो भी पहलां दे सी एक लड़ी दे विच परोया। तो इस संबंध दे विच बाबा जी ने यह अज इत्थे समागम रखिया ते उस समागम दे विच मैं भी संगतां दे दर्शन करन ते बाबा जी दे कोल क्योंकि अजोका समां जिहड़ा उहदे विच सिख पंथ ने जिहड़ियां गुंझलां अज तो लम्मा समां 102 साल पहलां कढ़ियां सी उह गुंझलां मुड़ के अज फिर शुरू कर दित्तियां पाउणियां ते महापुरशां दे कोल इस करके भी अज पहुँचे सारे साडे मैंबर साहिबान। देखो असीं जिन्ना चिर इस मुल्क दे विच भावें गुलाम सीगे गोरियां वेले उस वेले भी साडा धर्म दी सानू सतगुरु जी ने बख्शिश कीती धर्म की सुतंत्रता साडे कोल रही। असीं आजादी की लड़ाई भी उस धर्म की सुतंत्रता तो बाद लड़ी जिहदे विच 90% योगदान सिखां दा सी। अज क्योंकि आपां अज गल करदे हां इस मुल्क नूं इक थां एकत्र करन दी इस मुल्क नूं एक वन नेशन वन लैंग्वेज की गल करदे हां ते सिखां दा तां पहलां ही इह सिस्टम सारा जिहड़ा अपने सांझे पंजाब च भी सी उस तों बाद इधर आ गए। उस तों बाद पंजाबी सूबा मोर्चा बन गया हरियाणा बन गया हिमाचल बन गया विचों चंडीगढ़ निकल गया। सो वो जिहड़ियां हुण अज गुंझलां नवीं पाईआं हरियाणे की जिहड़ी कमेटी वक्खरी बना के कांग्रेस ने धरो कमाया वो असीं हुण सोचदे हां भई जिस कार्ज दे विच साडे बजुर्गां ने सानू सारयां नूं इक थां एकत्र कीता सी इतिहासक स्थानां दे प्रबंध नूं ते इतिहासक स्थानां दे प्रबंध दे नाल गुरमत दा सुनेहा देण नूं वो अज भरावां दे विच मंडियां पा के कोई कह रहा इह गोलक दी लड़ाई आ कोई कह रहा इह प्रबंध दी लड़ाई आ। साडी लड़ाई कोई प्रबंध दी नहीं साडी कोई भरा मारू जंग नहीं वो भी साडे भरा आ। पर दुख इस गल दा आ कि 102 साल जिहड़े पिछला समां बीतिया उहदे विच भी हरियाणे दे 11 सीटां लोग आप चुन के आउंदे सी उह इत्थे उहनां नूं एग्जैक्टिव दे विच हिस्सा दित्ता जांदा सी क्योंकि बाकी मैंबर पंजाब दे एक हरियाणे तों एक चंडीगढ़ अपने एक हिमाचल तों चंडीगढ़ चों आउंदा सी। पर सानूं दुख इस गल दा आ भई उहनूं अज लीरो लीर करके भरा मारू जंग वालों जिहड़ा उहनूं प्रेरणा कीती जा। अमृतपाल सिंह नूं किस नज़रिया देखदे उह तां मैं इन्ना ही कहूँगा सानूं सारयां नूं मैं पहलां कह भी चुका कि जिहड़ा भी अमृत छकदा ते अमृत छकाउण दा नाल वीरां नूं जोड़दा आ उहदा धन्नवाद करदे गुरु दी दर दे उत्ते आ के
गुरु दसम पातशाह जी का सब सीखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, जिथे गुरु ग्रंथ नूं गुरु करके जानना उथे पीवो पौहल खंडे धार होए जानो सहेला। जिहड़ा भी खंडे धार खंडे की पौहल ले किसी प्रेरणा करदा चंगा सलाह जो वह कार्य एक बखरा उन्हों का कंसैप्ट है। वो बारे मैं अपनी कोई दलील नहीं देनी चाहता क्योंकि हर एक एडिया बड़िया पंजाब के जथेबंदियां धार्मिक भी राजनीतिक भी समाजिक भी होर भी वो अपना अपना सारे का हिसाब किताब चलता वो बारे राजोआन साहब का बार बार सुप्रीम कोर्ट वालों भी जोड़े आ निर्देश दिए जा रहे पर केंद्र सरकार जी है वो देखो साडा कई बार इनू सिख न बोलन लगे भी 100 बारी सोचना पैंदा दूसरे सैक्ट जिले बोलते भी बाकी बोलते हैं। आ पिछले दिनों दे विच जिहड़ी RSS वालों दित्ती गई स्टेटमेंट भार्गव वालों कि इस मुल्क दे विच जिहड़ा जमदा वह हिंदू जमदा तो उन्हां दे उत्ते कोई जुर्म नहीं, इस मुसलमान भी रहिंदे ते अपने सिख भी रहिंदे आ, इस होर सैक्ट भी सारे रहिंदे आ, बोधी भी रहिंदे आ, जैनी भी रहिंदे आ। तो जे असीं कोई गल करदे आ भई हुण राजोवाणा दा 3 साल हो गए, वह कहिंदा मेरा जो करना फैसला करो आइदर दिस वे और दैट वे, तो वह जल्द फिर असं कहने भी जरूर फैसला करो तेर लेट हो जाता सारा कुछ, फिर कहें जी ये शायद लानेसनेस करते हैं। असी तो इंसाफ मंगते हैं, साडा तो हाल ये है भाई असं इंसाफ मंगते हैं, उस भी किंतु परंतु किया जाता तो इंसाफ तो हर एक बंदे डेमोक्रेसी आ बोलने का भी अधिकार आ, तो बंदे अपना दर्द भी जाहिर कर, तो वो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बार या हम पिछली बार भी सख्त रोक लिया पर नहीं उन्हें हल तक कोई बारे कोई स्टैप चके। लड़ाई ने भरा मारू जंग दी, अज भरा भरा वंड के मुड़ के जड़ा इस एक्ट नू छोटा करके सिखां दी जिहड़ी केंद्रीय धुरा श्री गुरु ग्रंथ साहिब आ उस विचारधारा नू सट मारन दा कोझा जा। जी साडे तां अज दी डेट पे सारे ही आ, कांग्रेस भी बिचे आ, बीजेपी भी बिचे आ, बिचे आप वाले रल के साडे ते सारे मेरे तो बेहतर तुसी जानदे आ क्योंकि तुसी रोज मिलदे आ। साहिब जिहड़े गुंजड़ा दी गल कीती है, गुंजड़ शुरू कितने कीती है, शुरुआत किने कीती है, तां कांग्रेस वाले करन वाले आ, उह तां शुरू तों भिड़दे रहे, कांग्रेस तां कदी सिखां नू सिखांदी नहीं, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਬਿਫੋਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤਲਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਿਲੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਟਾਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਮੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਟਾਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਐਤਕੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਔਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਬਣੀਏ। ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਹਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀਏ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਮੈਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।